कभी भी टर्निंग पे ओवरटेक मत करना, इट्स वेरी रिस्की। जब तक आपको क्लियर व्यू ना मिले, आई मीन क्लियर विजन ना मिले, ओवरटेक मत करो माउंटेन्स पे। देखो जैसे मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ सामने कोई गाड़ी नहीं है। चलते चलाते पहुंच चुके घूम घूम पहुंचे। ओ माय गॉड, इतना जाम बस एक गाड़ी का वजह से। तो पहुंच चुके घूम, एक घूम रेलवे स्टेशन। लेफ्ट साइड से जाओगे तो आप लोग पहुंच जाओगे मेरे के एंड, राइट साइड जहां से मैं जा रहा हूँ। अरे यार गजब। अरे वो डांस टावर लेवल लग लो। अरे चार लिव इट कंटेंट हो गया ना। तो चलते रहता है ऐसा। एंड इधर से टॉय ट्रेन। এত লোক থাকে নাকি? প্রথমবার ভিড় দেখলাম এত। চুইংগাম হ্যাপেন গাইস? আরে খাইয়ে দিবে নাকি এখন? तो ये दार्जिलिंग टाउन पूरा। वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स। अभी देखते हैं दार्जिलिंग में कहाँ जाएंगे। मन तो है बिजनबाड़ी जाने का, वहां पे देखते हैं क्या मिलता है। अरे इतना जाम क्या मतलब है? ओह माय गॉड, ओके भाई जाम उधर उधर का जो जाम था यार, देखते हैं कोई नया रोड। कौन दिखे बार भैया? बिजनबाड़ी का रास्ता किधर है? बिजनबाड़ी सीधा। अरे पूरा ग्राउंड के दार्जिलिंग ही ना कि एक
अरे लाख में की सुना किलोमीटर। ओके तो आप लोग जब आओगे यहाँ आपको सेंट जोसेफ स्कूल मिलेगा, जस्ट स्कूल से पहले ही एकदम स्कूल के साथ जो राइट जाता है आप इधर ले लोगे तो आप पहुँच जाओगे बिजनबाड़ी, एंड वहाँ पे जाके देखते हैं व्यू कैसा है। तो मेरे राइट साइड में सेंट जोसेफ स्कूल, भाई गार्डन क्या सुंदर लग रहा है। भाई साहब अरे ओके तो बहुत देर चलाने के बाद कुछ तो मिला, ये व्यू व्यू चेक आउट करो गाइस। बीजोन बारी ब्रेक लग तो सुना अरे এটা দেখো এই যে দেখো ব্রেক লাগছে না দাঁড়াতে হবে ব্রেক লাগছে না হাসিস না ভাই নার মুন্নার ব্যাপার আছে এখানে একটা আছে এই কি মুন্নার মুন্নার ও মাই গড ভাই ভাই গোটে মাই গড ইতনা দের চালানে কে বাদ কহা পৌঁছ রে হোয়ার ইজ বিজন কা বাড়ি গোটে ভাই গোট আরে আর ও আমার হাড়ুতে কে এও ধরতেছে চশমা থেকে দেখি দি শুনছ আনছে পাইতে বসতাম পিকনিক না ক্যাম্পিং ঘুম ঘুম নিয়ে দাও চশমা রাখলাম হ্যাঁ চশমা হ্যাঁ রাখো দাও কোনো ব্যাপার না ইয়েস ব্লগার্স লাইফ তুমি ওটা আবার দিলা তাহলে তো গুরুদমকার পার করতে হবে মনে হচ্ছে রুট ভিউ ভি কাফি জাদা সুন্দর লাগ রা কি বলো দাদা মুন্নার ভাই দিচ্ছে ওকে এ এন্ট্রি পার্ক কা জগা কা নাম তো পতা নাই হ্যায় লেকিন জো ভি হ্যায় বহুত বড়িয়া হ্যায় কি জামুনী ব্রিজ ও জামুনী ব্রিজ ওকে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট ও ইয়ে একটা ভিডিও ম্যান শর্ট করে একটা নিয়ে নাও তো শর্ট করে নি অনেক টাইম লাগবে আমার ওকে জো ভি হ্যায় মে আপকো দিখাতা হু আচ্ছে সে তো ইয়ে আপনা ভাই পর বাকি ও আ রহা হ্যায় দোনো এন্ড দ শিব জি काफ़ी एक ब्यूटीफुल सा लोकेशन है। सही है आप लोग भी कभी आया करो एंड प्लेस बहुत मतलब यहाँ पे होम स्टे वगैरह भी है तो बहुत बैकवर्ड जगह पे है तो इसीलिए इतना हाइप नहीं है। वो कहाँ भाग गया दादा ओके तो फोटोज़ वगैरह निकालते हैं फोटोज़ आपको इंस्टाग्राम पे देखने मिल जाएगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना लिंक स्क्रीन में है एंड डिस्क्रिप्शन में भी है एंड इधर सोलर पावर प्लांट तो सारा सोलर पावर से चल रहा है काफ़ी बढ़िया कितना क्लीन इट्स टू क्लीन। ओके तो यहाँ से हम लोग रिटर्न हो रहे तो ये जो जामुनी ब्रिज तो ये जामुनी ब्रिज आए थे लोकेशन काफ़ी बढ़िया लगा फोटोज़ वगैरह खींच लिए एंड सीधा अभी निकलेंगे दार्जिलिंग की तरफ। वहाँ से दो रास्ते थे एक ब्रिज क्रॉस करके अगर आप राइट लोगे तो आप पहुँच जाओगे जोरथंग लेफ्ट लोगे तो बिजनबाड़ी पहुँच जाओगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो सोचे दार्जिलिंग की तरफ बढ़ते हैं एंड वहाँ जाके थोड़ा देखते कब तक पहुँचते हैं। रुकना तो है दार्जिलिंग में लंच वगैरह वहीं करना है जाएंगे सीधा देखते कैवेंटर्स जाते या ग्लेनरीज जाते कहीं तो जाएंगे जाके लंच करते हैं फिर देखते आगे का प्लान कैसा होता है एंड
मेन मोटिव तो उसका यही था, फोटो खींचना एंड रील्स के लिए वीडियो वगैरह निकालना। लेट्स सी, फुटेज तो बढ़िया आया है। बल्ली कौन दिखे जाओ ओके। तो अभी निकल रहे ग्लेनरी से एंड हो चुका है अपना लंच, तो चलते हैं अभी। ए कहाँ चलते हैं, शूट कोथाय होबे, शूट कोथाय होबे, तो चलते हैं पहले गिद्दा पहाड़, वहाँ जाके फिर सेटअप करते हैं कैमरा एंड और भी बढ़िया फोटोज। ए जे आए यार, कुछ तो छोड़ो, कुछ तो छोड़ो, सारा ले लिए तो चाटो बाय बाय। चलो 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 भाई चलो। आज यार काफी ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है। सो एंड ये सोनाडा टाउन, घूम फिर सोनाडा, अभी फिर आएगा कर्शियम। भाई सुबह 5 बजे से लेके अभी शाम के बजे 4, चलो देखते हैं 5 बजे तक कर्शियम घुस सकते हैं कि नहीं। आई नो इजीली घुस जाएंगे, फिर भी जाम ना लगे। ओके तो पहुंच चुके हैं कर्शियम टाउन एंड बस अब गिद्दा बाहर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, अब सीधा वहीं जाके मिलते हैं, यार बहुत थक गया। दारा ओके तो पहुंच चुके हैं गिद्दा बाहर एंड भाई व्यू चेकआउट कर सकते हो, तो ये अपने हेलमेट बैग्स वगैरह भी रख के भाई थोड़ा रेस्ट किए एंड अभी हम लोग जा रहे हैं फिर वीडियो शूट करने। लकी फ्लेक्स दा रेडी हो चुके हैं, जॉय भी रेडी, चलो भाई अपना बाइक भी उतार के चलते हैं। काफ़ी बढ़िया फुटेज और रूपम उधर कर रहे हैं चिल, तो हम लोग भी थोड़ा फुटेज वुटेज निकाल के थोड़ा बैठेंगे फिर सीधा रोंगटोंग होके घर जाएंगे। तो चलते हैं फुटेज लेने। ओके तो वीडियो को करते हैं एंड होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी पसंद है तो वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको ऐसे किसी बढ़िया ब्लॉग में इस ब्यूटीफुल से ऐसे और व्यू के साथ। कैसा लगा आपको व्यू भाई, पूरा दार्जिलिंग घूम के आने के बाद ना ये जो जगह है ये सबसे बढ़िया एंड पीसफुल लगा। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो यहाँ पे बैठने के बाद काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह निकाले, निकालने के बाद एंड अभी यार एनर्जी डाउन हो चुका है। चलते हैं घर, घर जाके वीडियो वगैरह एडिट करते हैं आप लोगों के लिए, वीडियो को डाल देंगे जल्दी, जल्द से जल्द। मिलते हैं, बहुत टायर्ड है।